फ्रेंड्स, मैं मौसमी है और मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी थोड़ा सा रेसिपी दिखा रही हूँ और क्या क्या बनाया आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इधर मेरा मम्मी रेडी कर रहा है, ये है पम्पकिन का जो पत्ता है वही, और साथ में भाट करेला का पत्ता भी डाल दिया है, और साथ में ये है जैक फ्रूट का सीड्स, ये देखिए सोजिना का पत्ता। ये सब मिक्स करके आज सोडा के साथ पकाएगी। देखिए कितना सुंदर से काट लिया है छोटा छोटा करके। देखिए अभी डाल रहा है थोड़ा सा मसूर दाल, ज़्यादा नहीं डाल रहा है। अभी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, जो कि ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि ये पत्ता से भी निकल के आएगा, इसलिए लेंगे थोड़ा सा बनाना सोडा जो हमने तैयार करके रखा था वही। ये देखिए ये लाल चाय नहीं है, ये है हमने बनाना सोडा थोड़ा सा ही लिया, आधे कप लिया है। मतलब बनाना सोडा तो कैसे बनाते आप लोग जानते होंगे, ये जो बनाना का पेड़ होता है वो चला के उसका जो चाय होता है ना वो थोड़ा सा पानी में घुल के ऐसा सीख लेता है। अभी मैंने बनाना सोडा डाल दिया है और बनाना सोडा इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है, और ये रेसिपी ज़्यादातर हम लोग ट्राइब लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वही थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ हम लोगों का रेसिपी। अभी थोड़ा सा नमक डाल दिया, इतना सुंदर से उबल रहा है। ये अभी हमने जो अदरक लहसुन साथ में जो मिर्च लिया था वही हम दे रहे हैं। अभी देखिए सब पत्ता अच्छी तरह से पक गया है, इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ये हमारा जो ड्राई फिश है जो हम लोग अचार जैसे बना के रखते हैं वो थोड़ा सा डाल दिया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। अभी मेरा रेसिपी हो गया है। ये देखिए मैंने अलग अलग से काट लिया है, और मैं ये रेसिपी जो जैकफ्रूट सीड्स का है वो रेसिपी अच्छी तरह से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया इसका रेसिपी। और आप लोग जो भी नहीं देखा है ये रेसिपी तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे में आप कंप्लीट रेसिपी देख सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अभी मैं तीसरी रेसिपी दिखा रही हूँ जो है तोतेले बॉइल्ड होगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है इसलिए ये सब नॉर्मल रेसिपी खाने से बहुत पेट अच्छा रहता है। ये देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी। मैं आज टोटली बॉयल बनाऊँगी, लास्ट में इसमें मैं मांधनिया डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन काट के डाल दूँगी। ये है प्रॉपर आज होगा बॉयल। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और कुछ भी हल्दी वगैरह नहीं डालूँगी। और देखो थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया भात करेला और कसकल मतलब करी बनाना, और ये बहुत अच्छा होता है। और अभी देखिए उबल रहा है, और ये जो है ना कलर थोड़ा सा अजीब लगेगा वाइट वाइट, लेकिन ये बहुत हेल्दी है, मतलब पेट के लिए भी एक नंबर है, और वैसे भी इसका बीमारी लोग भी खा सकता है ये। और अभी जो मैंने बारीक काटा था करी बनाना वो तोड़ दिया ताकि थोड़ा सा स्वाद आ जाए, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बॉयल ही खाते हैं, इसलिए बॉयल रेसिपी ही दिखाती हूँ ज़्यादातर जो हेल्दी रेसिपी होता है इसलिए। और देखिए अच्छी तरह से उबल गया, मैं तोड़ भी दिया। अभी हम इसमें डालेंगे जो कुट के रखा था लहसुन, और साथ में हम डालेंगे इसमें ये देखिए मूंगफली। और मेरा अब ये जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गया है। इसको मैं ढक्कन लगा के अभी रख दूँगी और पतला नहीं करूँगी। और जो अभी लहसुन और जो पत्ता डाला है मांधनिया का वो ऐसे ही थोड़ा सा पक जाएगा, और मुझे पूरा पकना पसंद नहीं है, थोड़ा सा कच्चे थोड़ा सा पका ऐसे पसंद है, तो ऐसे मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। देखिए अभी हम बंद कर देंगे, हो गया मेरा ये रेसिपी।
तो फ्रेंड देखिए इसी तरह से मेरा जो तीन रेसिपी बनाया था हेल्दी रेसिपी वो कंप्लीट हो गया है। तो तेले ऑयल फ्री है, तो तेले मसाला फ्री है और ये रेसिपी सभी खा सकते हैं, बच्चा बूढ़ा सभी खा सकते हैं। जो ये अभी ये रेसिपी है जैकफ्रूट चीज़ का पकौड़ा बना के रेसिपी बनाया था वो है, और ये है जो जैकफ्रूट चीज़ का ही है जो ग्रीन वेजिटेबल था मिक्स करके वो बनाया था सोडा के साथ वो है, और साथ में ये तोतेले बॉयल है, ये बीमारी लोग भी खा सकता है। और इसी तरह से मेरा आज का रेसिपी व्लॉग यह भी ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बाय बाय।